स्वागत है आपका कानूनी हेल्पलाइन में। ऐसा कम ही होता है कि बिल्डरों और बैंकों के दबदबे के बीच आम लोगों की सुन ली जाए, लेकिन इस बार उम्मीद जरूर बनी है कि शायद बायर्स की सुनी जाएगी। अब तक भरोसा कुछ ऐसा ही मिल रहा है। वैसे एनसीआर में जो लेट हो रहे हैं प्रोजेक्ट, वहां पर हजारों खरीदार हैं और वो हजारों खरीदार जब एक साथ आए तो उनकी मेहनत रंग लाई, और कम से कम यूपी सरकार अब इस मसले पर गंभीर नजर आ रही है। तभी तो खरीदारों को एक ऐसा विकल्प देने की बात कही जा रही है जिसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा गया था। वो विकल्प यह है कि या तो आप अपना फ्लैट ले लें, या फिर आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं, या आप डिमांड रख सकते हैं। हालांकि सरकार की जो सक्रियता है, ये कब तक रहेगी, इसको लेकर सवाल है। कहा नहीं जा सकता कि कब तक इस तरह से सक्रिय हम सरकार को देखेंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद तो बनती है। आज हम अपने एक्सपर्ट से ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगर बायर्स के पास इन दो विकल्पों में से दोनों विकल्प आ जाते हैं, तो जिन प्रोजेक्ट्स में देरी हो रही है उनको किस विकल्प के साथ जाना चाहिए, क्या उनकी बेहतरी के लिए ज्यादा मुफीद होगा। और इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ वकील अश्विनी दुबे जी। बहुत स्वागत है अश्विनी जी आपका स्टूडियो थैंक में। अगर आपके पास कोई सवाल है जिसका जवाब आप चाहते हैं अश्विनी जी से लेना, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हम लगातार फ्लैश कर रहे हैं। चर्चा हम शुरू करें अश्विनी जी से, आपके सवाल लें, उससे पहले एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जेपी ग्रुप के डिफॉल्टर लिस्ट में आ जाने से फ्लैट बायर्स चिंतित हैं। उन्हें डर है कि उनके सपने के आशियाने पर ग्रहण तो लग गया है, कहीं उनके पैसे भी ना डूब जाएं। लेकिन अब सरकार उनके लिए आगे आई है और बिल्डरों के खिलाफ सख्ती दिखाई है। सरकार ने फ्लैट बायर्स की समस्या को सुलझाने के लिए 3 मंत्रियों की कमेटी बनाई। कमेटी ने गुरुवार को प्राधिकरण के साथ बैठक की और कई अहम फैसले लिए। कमेटी ने फ्लैट बायर्स को राहत देते हुए ये साफ कर दिया है कि फ्लैट बायर्स को हर हाल में फ्लैट मिलेगा या फिर फ्लैट बायर्स को उनका पैसा वापस मिल जाएगा। वही कमेटी फ्लैट मालिकों को भी राहत देते हुए कहा है कि अब दोषी बिल्डरों की वजह से फ्लैट मालिकों की बिजली नहीं कटेगी, फ्लैट मालिकों को अलग से बिजली का कनेक्शन दिया जाएगा। दरअसल हर अपार्टमेंट में सिंगल कनेक्शन की व्यवस्था होती है, जिससे हर फ्लैट में सब मीटर जुड़े होते हैं। सिंगल मेन कनेक्शन से ही फ्लैट मालिकों को बिजली सप्लाई की जाती है। फ्लैट मालिक बिल्डर को बिजली का बिल समय से तो दे देते हैं, पर बिल्डर आगे बिल जमा नहीं करते, जिससे मेन कनेक्शन को काट दिया जाता है, जिसका खामियाजा फ्लैट मालिकों को भुगतना पड़ता है। इतना ही नहीं, कमेटी बिल्डरों के खिलाफ भी सख्त है। कमेटी ने साफ कर दिया है कि अगर बायर्स को लेकर बिल्डर कोई भी आनाकानी करते हैं तो सरकार उन्हें जेल भेजने में जरा भी देर नहीं लगाएगी। कमेटी ने कहा है कि बिल्डर बायर्स को फ्लैट दें वरना सीधा जेल जाएं। बिल्डरों को जीरो पीरियड का लाभ देने से भी कमेटी ने मना कर दिया है। साथ ही बिल्डर्स को ये भी चेतावनी दी है कि बायर्स को फ्लैट नहीं देने पर अथॉरिटी प्लॉट अलॉटमेंट भी रद्द कर सकती है। यानी ये माना जा सकता है कि घर खरीदने को लेकर अधर में फंसे फ्लैट बायर्स की राह बहुत हद तक आसान हो गई है। अब फैसला उनके हाथ में है कि उन्हें करना क्या है। फ्लैट बायर्स के पास विकल्प खुले हैं, या तो वो फ्लैट ले लें या फिर पैसे वापस। टीम न्यूज़ ऑल इंडिया। और हम चर्चा करें, उस बीच हमारे साथ एक दर्शक भी जुड़ गए हैं, देहरादून से अतुल हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका अतुल जी, स्वागत है बहुत। क्या जानना चाहते हैं आप? आपने कहीं पैसा लगाया हुआ है मकान में, फ्लैट में? अतुल जी शायद उनका फोन कट गया, अभी बातचीत नहीं कर पाएंगे हम उनसे। लेकिन अश्विनी जी आपसे मैं जानना चाहूंगी कि विकल्प तो देखिए बहुत बेहतर लग रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है गंभीरता उस तरह की लोग उम्मीद करें कि लंबे वक्त तक रहेगी और वाकई उनको या तो मकान मिल जाएगा या तो फिर पैसा मिल जाएगा? देखिए, सरकार का अगर इंटेंशन क्लियर है और सरकार ने कमेटी तो बना दी, कमेटी बनाने के बाद उसको रियल सेंस में कितना इंप्लीमेंट कर रहे हैं, कितना बिल्डर्स के ऊपर दबाव बना पा रहे हैं, क्योंकि अभी सवाल सिर्फ सरकार का नहीं है, सवाल ये है कि जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने जेपी के केस में इंसॉल्वेंसी पिटीशन एडमिट कर ली। उस स्थिति में, जैसी स्थिति में जहां कोर्ट में ऑलरेडी मामला सब जुडिशियल है, तो सरकार को यह भी चाहिए कि साथ ही साथ वो कोर्ट में भी इन लोगों के बिहाफ पर परस्यू करे, क्योंकि कमेटी बना देने से काम नहीं चलेगा। अभी लोगों के सामने प्रॉब्लम यह आई है कि वो तो रेंट दे रहे हैं, दूसरा जो उन्होंने लोन लिया उसकी ईएमआई दे रहे हैं, और बैंक तो ऐसी स्थिति में अपने पैसे को रिकवर करने के लिए जो इंडिविजुअल वहां पर जिन्होंने लोन लिया हुआ है, जो फ्लैट बायर्स हैं, उनसे तो रिकवर करेगा उस पैसे को। तो इसके लिए जब तक कि कोई कंप्लीट कॉन्क्रीट
तरीके से कोई उसका हल इजाद नहीं किया जाएगा तब तक लोगों की मुश्किलें बढ़ी की बढ़ी रहेंगी। लखनऊ से एक और दर्शक जुड़े हैं सर हमारे साथ, मनीष हैं। स्वागत है मनीष जी, क्या है सवाल आपका? गुड आफ्टरनून मैम, मैं जेपी अमन में, मेरे पास फ्लैट है जिसका पोजेशन उन्होंने मेरे को देने के लिए अभी बोला है, टावर नंबर 5 है। ओके, हाँ जी सुन रहे हैं हम आपको। टावर नंबर 5 है मैम, और लेकिन उन्होंने जो मेरे को स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अभी भेजा है उसमें उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमसे चार्ज किया है फॉर डिले पेमेंट दैट इज मोर देन 18%, और जो वो हमको डिले पेनल्टी देने की बात कर रहा है वो खाली 5 रुपए स्क्वायर फुट की कर रहे हैं। इसके एडिशन में मैम वो लोग हमको पावर, हमको जो लेटर भेजा है उन्होंने उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम फ्लैट कंप्लीट करके नहीं देंगे जब तक कि आप पूरा पैसा हमको एडवांस में नहीं दे देते हैं। हमें क्या गारंटी है कि हमारा, हम पैसा देने के बाद भी जो बिल्डर 9 साल से हमको मकान नहीं दे रहा है वो पैसे को लेने के बाद भी फ्लैट को पूरा करके दे देगा? हमारे पास क्या लीगल ऑप्शन है मैम? जो आपके पास जो आपने बिल्डर बायर एग्रीमेंट किया है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट की टर्म्स के मुताबिक उसमें आइदर वे में दोनों की, बायर की भी और बिल्डर की, दोनों की कंडीशंस मेंशन्ड होती हैं कि अगर बायर के पार्ट पर डिले होता है तो कितना परसेंट इंटरेस्ट लगेगा और बिल्डर के पार्ट पर अगर डिले होता है तो कितना परसेंट। उस रेशियो को आप कैलकुलेट कर लीजिए, उसको कैलकुलेट करने के बाद कहीं पर डिस्क्रिपेंसी अगर समझ में आ रही है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं अपने राइट्स के लिए। ठीक है सर, देहरादून से अतुल जुड़ गए हमारे साथ एक बार फिर से, क्या सवाल है अतुल जी आपका? मैडम नमस्कार, मैं देहरादून से अतुल जैन बोल रहा हूँ। बोलिए सर, सवाल पूछ लीजिए अपना। हाँ मैडम, ये सिक्का ग्रुप का एक यहाँ प्रोजेक्ट है, सिक्का किंगस्टन ग्रीन्स राजपुर रोड पे जो शुरू होने वाला है, और ये 1 साल से करीब चल रहा है इसका एडवर्टीजमेंट। उसमें हमने एक फ्लैट बुक कराया था जिसमें हमने चेक दिया था एक 8,99,100 रुपए का, और बाद में हमें पता चला कि इसमें तो मुकदमेबाजी चल रही है और स्टे लगा हुआ है। Okay. और उसके बावजूद मैंने जब इनसे बोला मेरा एग्रीमेंट वगैरह दीजिए कुछ दीजिए, तो कह रहे कि अभी हम नहीं ले सकते हैं, अभी हमारी प्रॉब्लम चल रही है। मैंने कहा आपको चेक लेने का तो उठाओ अथॉरिटी, लेकिन प्रॉब्लम वो इसके स्टे वगैरह के लिए आपने वो हमें बताया नहीं, और अब वो हमारे से कोई कॉन्टेक्ट में भी नहीं है। जब उन्हें कुछ भी कहो तो कहते हैं कभी हमारे मालिक बाहर गए हैं, विदेश में, तब बात करेंगे, तब बात करेंगे, ये करते रहे। ठीक है, वो टालने की कोशिश आपको कर रहे हैं, इनके पास क्या विकल्प है? अतुल जी, आपके पास विकल्प है, आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के आपने जो पैसा दिया हुआ है उस पैसे, क्योंकि 2 साल के अंदर ही आपको जाना है जिस दिन आपने बुक किया है, तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के आप उस पैसे को वापस ले सकते हैं, ये कहते हुए कि इस, जब आपने पेमेंट किया उसका जितना परसेंट भी आपने किया टोटल कॉस्ट का, उसके मुताबिक वहां पर कंस्ट्रक्शन शुरू होनी होगी, और कंस्ट्रक्शन उसको आप पढ़ लीजिए जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट है किन किन नियमों के तहत, किन शर्तों के तहत आपने दिया, और उसके बाद आप अगर वहां पर कोई वायलेशन है तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जाकर के आप कॉम्पनसेशन भी ले सकते हैं और बिल्डर के खिलाफ मुकदमा डाल सकते हैं। जी, इसमें देखिए समस्या ये भी है कि पवन कुमार एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं दादरी से। स्वागत है पवन जी, पहले आप अपना सवाल पूछ लें जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। हेलो जी पवन जी, पवन जी जी सवाल पूछ लीजिए सर। मैम नमस्कार जी, नमस्ते। अच्छा मैम, मैंने ना अमरपाली के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट है नोएडा वेस्ट में, उसमें फ्लैट बुक करवाया हुआ है, और अभी की हालत में हम लोगों को 6-7 साल के करीब हो गया, 7 साल के करीब, तो उसमें हम लोगों को लग नहीं रहा कि क्या होगा। हमारा जो 20-25 लाख रुपया गया हुआ है, 90% करीब प्री पेमेंट चली गई है हमारी, तो उसमें कुछ हमको लग रहा है संभावना है या हम लोग मतलब बिल्कुल जो, क्योंकि एक तो EMI कट रही है हमारी। ठीक है, उसका जिक्र किया अश्विनी जी ने अभी। अभी बिल्डिंग की क्या पोजीशन है, क्या बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है या बिना कंस्ट्रक्शन शुरू हुए ही आपने 90% पेमेंट दे दी? आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी बात आप सुन रहे हैं क्या? हाँ, क्या क्या वहां पर जिस प्रोजेक्ट में आपने पैसा लगाया उस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुआ है या कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हुए बिना ही आपने 90% की पेमेंट कर दी? सर कुछ कुछ टावर तो उनके है जो चले गए हैं 70-80% तक चले गए। नहीं, जो आपका टावर है, जिस टावर में आपने बुक किया है उसकी क्या पोजीशन है? वो सर करीब करीब 18 फ्लोर तक चला गया, 17-18 फ्लोर तक है उसमें। और आप वाला टावर आपका भी उसी फ्लोर पर है फ्लैट? नहीं, मेरा 22 फ्लोर पे है सर। तो वो कंस्ट्रक्शन अभी कंटिन्यू है या कंस्ट्रक्शन अभी कंटिन्यू नहीं है, पूरी बात बताइए।
कंस्ट्रक्शन तो बंद है सर काफी दिन से, मेरे को लग रहा है साल से भी ज्यादा हो गया। तो आप, क्योंकि आम्रपाली के और भी बहुत सारे केसेस चल रहे हैं, आम्रपाली के खिलाफ दिल्ली के कंज्यूमर कोर्ट में भी बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, दिल्ली आम्रपाली के खिलाफ FIR भी दर्ज हो गई है आम्रपाली के मालिकों के खिलाफ, चीटिंग की, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड की, कई 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मुकदमे चल रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जहां पर फ्लैट है जो आपको उन्होंने प्रॉमिस किया देने का, उसका कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुआ है या वो नहीं बना है, तो आप इमीडिएटली अपने उसके लिए अपने इश्यूज को लेकर के कोर्ट केस डाल सकते हैं और उनसे अपने पैसे को विद इंटरेस्ट वापस लेने के लिए कोर्ट से गुहार लगा सकते हैं। ये स्थिति है, देखिए 22वीं मंजिल पर इनका है, 18 तक बनाकर बिल्डर ने छोड़ दिया है, और ऐसे बहुत सारे हैं, कई में तो टावर से नहीं बने हैं। आप ए टावर में आपको फ्लैट कहा गया कि आपको मिलेगा, कोई और टावर बनकर खड़ा हो रहा है, ए को छुआ तक नहीं गया है। ये जो लोग हैं, और क्योंकि बहुत बहुत सारे लोग हैं, हजारों की तादाद में लोग हैं, तो क्या वो सब लोग शिकायतें करने जाएं? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं सर कि लोग शिकायत करने भी नहीं जाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेरा लाने का, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट लाने का जो इंटेंशन था, उसके पीछे यही था कि जो बिल्डरों की मनमानी है उस मनमानी को किसी तरह से रोका जा सके और जितने कंज्यूमर से कंज्यूमर के फेवर में एक लॉ बने, ताकि जहां भी प्रोजेक्ट बुक हो तो बिल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स हो सके और वो कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट हो, और किसी प्रकार का डिले होता है तो उस डिले की स्थिति में जो बायर है, बायर को कॉम्पनसेशन मिले। जो रेरा के पीछे लाने का गवर्नमेंट का जो मकसद है वो ये है। अब यहां पर प्रॉब्लम यही कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा ने उस लॉ को एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना इंप्लीमेंट करके उसके कंप्लीट उसमें उन्होंने डाइल्यूट करके उसको इंप्लीमेंट किया। डाइल्यूट करके इंप्लीमेंट करने का मतलब रेरा का ये इंटेंशन था कि जो अपकमिंग प्रोजेक्ट होंगे वो, जो प्रोजेक्ट आएंगे उसके अलावा जो अंडर कंस्ट्रक्शन होंगे वो, तो उन्होंने अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को निकाल दिया। तो यहां पर साफ जो सरकार की मंशा है वो मंशा एक कानून को लागू करने की नहीं दिखती है, नहीं तो ऐसी स्थिति में बिल्डर्स के ऊपर तो कोई चेक एंड बैलेंस है नहीं, और बिल्डर्स एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट जो बायर्स है उन बायर्स को नोटिस दे दे करके चार्ज करते रहते हैं और डिले का वो लगाते रहते हैं। तो बहरहाल उसकी स्थिति में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है बायर्स को। बायर्स चाहे अगर लगता है कि कहीं पर डेफिशिएंसी हो रही है और नेग्लिजेंस है, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के मुताबिक स्टेट कमीशन या नेशनल कमीशन में जुरिस्डिक्शन के मुताबिक मुकदमा डाल सकते हैं। ठीक है सर, वेद प्रकाश एक और दर्शक हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, क्या है आपकी समस्या? हाँ जी, मैंने ना इंदिरापुरम में ये ले रखा है एक फ्लैट, तो मेरी क्वेरी ये है कि पोजेशन के बाद रजिस्ट्री होती है या रजिस्ट्री के बाद पोजेशन होता है? नहीं, दोनों एक साथ होता है। रजिस्ट्री के टाइम पर आपको उस फ्लैट का मालिकाना हक मिलता है और इमीडिएटली आपको पोजेशन मिलता है। उसके पहले आपको ऑफर ऑफ पोजेशन मिलता है बिल्डर की तरफ से, आपको ऑफर किया जाता है कि हम आपको ये पोजेशन इस तारीख को देंगे, आप आकर के रजिस्ट्री करवा लीजिए और पोजेशन ले लीजिए। बिल्डर हमें बोल रहा है जैसे अभी कि आप हमें फुल पेमेंट 25% बचा हुआ है, आप इतना दे दीजिए, उसके बाद मैं 2 महीने में आपको पोजेशन दे दूंगा। मैंने इससे पूछा रजिस्ट्री कब कराएंगे, तो वो कोई भी फिक्स डेट रजिस्ट्री का नहीं बता पा रहा है, बोला नेक्स्ट ईयर अप्रैल मार्च में कराएंगे, अप्रैल और मई में कराएंगे। देखिए, रजिस्ट्री करवाने के लिए आपको सीधे सीधे, क्योंकि सबसे पहले आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा जो आपका इनिशियल एग्रीमेंट है, बिल्डर बायर एग्रीमेंट, उस बिल्डर बायर एग्रीमेंट के मुताबिक आपको कब तक उन्हें पोजेशन देना था, कब तक रजिस्ट्री करानी थी कंप्लीट करके। अगर वहां पर डिफॉल्ट हो रहा है और आपकी कंसेंट नहीं है उसको एक्सटेंड करने में, उस पीरियड को पोजेशन देने में और रजिस्ट्री करवाने में, तो आप उनके खिलाफ क्लेम फाइल कर सकते हैं। और आप कोर्ट से यह भी कह सकते हैं, जो कंज्यूमर कोर्ट है उससे यह भी कह सकते हैं कि इनको डायरेक्शन दिया जाए कि इस पर्टिकुलर डेट तक बिल्डर बायर एग्रीमेंट के मुताबिक मुझे पोजेशन देना था, ये पोजेशन नहीं दे पा रहे हैं, लिहाजा इनको डायरेक्शन देकर के मुझे पोजेशन दिलवाया जाए और रजिस्ट्री करवाई जाए, और नहीं होने की स्थिति में इनको डायरेक्शन दिया जाए कि मुझे इंटरेस्ट के साथ मेरा जो कॉम्पनसेशन बनता है वो दें। अलावा इसके जैसे बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी ज़्यादा पैसा दे देते हैं, 50% से भी ज़्यादा देते हैं, 80% तक भी पैसा दे देते हैं, उनके भी दो दो तीन तीन साल तक जो प्रोजेक्ट हैं वो लटके रहते हैं, तो ऐसे में क्या कोई और भी शिकायत बनती है? इस पर मैं आपसे जवाब लूंगी। गाजियाबाद से हमारे साथ एक और दर्शक जुड़े हैं, क्या सवाल? नीलिमा है हमारे साथ, क्या सवाल है मैम आपका? गुड आफ्टरनून मैम। मीनाक्षी जी, हम लोगों ने 2009 में जेपी कॉस्मोस में फ्लैट बुक कराया था और 2012 में डिलीवरी होनी थी, 90% से ज्यादा हम लोग पेमेंट कर चुके हैं, और जो हमें पता चला है कि अभी भी हमारा टावर अंडर कंस्ट्रक्शन है और 2018-19 में भी हमें नहीं मिलेगा।
लेकिन अब जो जेपी वालों की स्थिति है उस हिसाब से तो हम अधर में अटक गए हैं। तो क्या करें सर, जेपी के देखिए देखिए अभी अभी जो 6 मंथ्स के लिए जो कोर्ट ने एक जो है इंटरिम रेजोल्यूशन जो वहां पर आईआरपी अपॉइंट किया है एनसीएलटी ने मिस्टर जैन को, तो वो आप और कोर्ट ने यह भी कहा था कि 24 अगस्त तक आप अपने रिस्पेक्टिव क्लेम्स एनसीएलटी में दे सकते हैं। तो जो आप उसके मुताबिक उस ऑर्डर को पढ़ करके आप अपना क्लेम वहां सबमिट कर दीजिए और उसमें साफ साफ लिख दीजिए कि आपको पैसा वापस चाहिए या फ्लैट चाहिए, क्योंकि अभी 6 मंथ्स का पीरियड एनसीएलटी ने दिया हुआ है इसको जेपी ग्रुप को कि जेपी ग्रुप 6 मंथ्स में इसको रिवाइव कर दें उस प्रोजेक्ट को, और बैंक का पैसा अगर दे देते हैं तो जो फ्लैट बायर्स हैं उनको फ्लैट दे दिया जाएगा और एक कॉन्क्रीट प्लान पर वर्क कर रहे हैं। तो आप उसे देख लीजिए क्योंकि कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो क्लेम बनेगा वो क्लेम एनसीएलटी में ही बनेगा। बड़ी चूक कहाँ पर करते हैं जब बायर्स जाते हैं खरीदने के लिए, क्योंकि कई बार बाद में पता चलता है कि इस तरह के क्लॉजेस थे उनको हमने पढ़ा ही नहीं और पैसा वो देते चले जाते हैं। जैसे एक दर्शक ने भी कहा कि 8 लाख से ज्यादा का चेक उन्होंने दे दिया लेकिन किसी तरह का कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। क्या यहीं पर एक गलती हो जाती है और अगर कोर्ट या कहीं पर आगे जाया जाए तो फिर आपका मजबूत नहीं रहता है उतना मामला, या फिर ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है नए कानून और ये सब आने के बाद? देखिए दोनों चीजें हैं कि जब फ्लैट लेने के लिए जाते हैं तो जो बिल्डर है बिल्डर के पार्ट पर चीजों को हिडन रखा जाता है, वो क्लियरली उन बातों को ला करके जो बायर है बायर को बताते नहीं है और उस समय प्रॉमिस करते हैं बहुत जल्दी हम कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर देंगे, बस आपको इतना देना है। और धीरे धीरे जब एक बार बिल्डर बायर एग्रीमेंट बन जाता है और एक सब्सटैंटिव अमाउंट वो ले लेते हैं, उसके बाद वो धीरे 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 बायर से एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट क्लेम करना शुरू करते हैं। वैसी स्थिति में शुरू में ही चाहिए कि टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटर्न देख लें, रिटर्न लेने के बाद क्लियर कर लें, क्लियर करने के बाद ही आगे बढ़े। और जैसा लगता है कि कोई एम्बिग्युटी है या कोई ऐसा यहां पर इन्होंने डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं या हाइड कर रहे हैं चीजों को, तो उसके लिए आगे नहीं बढ़े क्योंकि उसमें दोनों तरह से चलते हैं। फिर जब लोन के लिए जाते हैं तो लोन के लिए बैंक भी कुछ ना कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशंस होती है जिनको हाइड करके रखते हैं। हाँ। उसमें इतनी जल्दी जल्दी में सब कुछ रहता है, जल्दी से इस प्रोजेक्ट को ले लें, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये फ्लैट मेरे हाथ से निकल जाए। घर का जो सपना है ना सर, वो बहुत लोगों को उस तरीके से बांध लेता है शायद कि वास्तव में जिन चीजों को ज्यादा नजर बनाकर रखनी चाहिए, जिन चीजों को लेकर आपको लगातार सवाल पूछने चाहिए, आपको सिर्फ घर नजर आ रहा होता है, सामने तमाम चीजें पीछे छूट जाती हैं। सलमान हमारे साथ एक और दर्शक भोपाल से हैं, स्वागत है सलमान जी, क्या सवाल है आपका? जी सर, मैडम 4 साल पहले हमने फ्लैट बुक किया था। कहाँ? तो, भोपाल में। अच्छा, तो वहां पे अभी काम ही शुरू नहीं किया बिल्डर ने। तो 4 साल हो गए सर। आपने कितनी पेमेंट कर दी उसमें? पेमेंट 18 लाख रुपए कर चुके। तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप तुरंत जा करके जो आपका स्टेट कमीशन है कंज्यूमर का, आप वहां पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में स्टेट कमीशन भोपाल में आप बिल्डर के खिलाफ मुकदमा डाल सकते हैं और पैसे के साथ साथ आप कॉम्पनसेशन मेंटल हैरेसमेंट और इंटरेस्ट के लिए क्लेम कर सकते हैं। अभी तक कोई ऐसा मामला सर आया है आपके सामने कि जिसमें लोगों ने शिकायत की हो? और देखिए आम्रपाली और जेपी ये बड़े बिल्डर्स हैं और इनके ऊपर भी कुछ हद तक शिकंजा हम कसता हुआ देख रहे हैं, लेकिन वो शिकंजा जितना है एक सहानुभूति पैदा कर सकता है उन लोगों के मन में कि चलिए ठीक है इतना तो कुछ कर रही है सरकार, वरना शायद इसकी भी उम्मीद ना रही हो, लेकिन कोई कॉन्क्रीट निर्णय फैसले जिसको हम कहें कि सख्त निर्णय लिया गया किसी बिल्डर के अगेंस्ट, हुआ है क्या? देखिए अभी बहुत सारे उसमें हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में यूनिटेक का मुकदमा चल रहा है, चंडीगढ़ स्टेट कमीशन ने MRMGF के केस में कितने कंज्यूमर्स को जैसे ही बिल्डर बदमाशियां करने लगा तो स्टेट कमीशन ने डाला, नेशनल कमीशन में चल रहे हैं, सुपरटेक के मुकदमे चल रहे हैं, सारे मुकदमे चल रहे हैं और कुछ में बीच में जाके सेटलमेंट भी हो रहा है। जैसे यूनिटेक के केस में सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिनों पहले पिछले साल मेरे ख्याल में नवंबर या दिसंबर में करीब 100 करोड़ रुपए जमा करवाया उसमें। तो देखिए लीगल फ्लॉज है, वो लिटिगेशन को आगे पीछे तो कर सकते हैं, थोड़ा एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स बहुत सख्त हैं और कोर्ट्स इसमें सख्त हैं। अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह चाहिए कि वो अपने ग्रेवेंस के लिए कोर्ट के सामने जाएं, अदालत का दरवाजा खटखनाएं, और सिर्फ कंज्यूमर कोर्ट ही ऑप्शन नहीं है, क्रिमिनल ऑफेंस भी बनता है क्योंकि ये सीधा सीधा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, ये सीधा सीधा चीटिंग का मुकदमा आता है क्योंकि बिल्डर किसी भी बात को क्लियर ना करते हुए गलत तरीके से प्रॉमिस करके पैसा ले रहा है। लेकिन लोगों को अपने अधिकारों के लिए आगे तो आना होगा।
और अगर वो मान लीजिए कि कागजों में सब चीजें ठीक कर भी रहा है और आपको दो दो तीन तीन साल तक आप इंतजार कर रहे हैं, आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है, तो भी ये बहुत बड़ी गड़बड़ है। इसको लेकर आवाज जरूर उठानी चाहिए, शिकायत करने के लिए तमाम प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद है, तो वहां पर जरूर जाइए। ओमकार सिंह हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है सर, क्या सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल ये है कि मैंने बुला लिया था पैरामाउंट में 2013 में, तो बिल्डर ने कहा कि हम 2016 में दे देंगे, 2016 में दे देंगे फ्लैट आपको 15 में। तो हमारी एक डिमांड थी, वो एक डिमांड हमने लेट दी थी, ठीक अच्छा, है मैडम ठीक है। तो हमने कहा आपका लेट फाइन बनता है, तो उन्होंने कहा कि आपकी एक जो डिमांड थी वो लेट पेमेंट की है, इसलिए आपकी अब डिमांड नहीं बनती, बिना पेनल्टी नहीं बनती। क्या ऐसा है कि उन्हें हम लेट हमने किस्त दी थी तो उसमें तो उन्होंने पेनल्टी ले ली हमसे 80,000 रुपए, अब कहते हैं आपने लेट दिया था इसलिए आपकी नहीं बनती? नहीं देखिए, क्या ऐसा है? दोनों स्थितियां हैं, उन दोनों स्थितियों में अगर आप बिल्डर बायर एग्रीमेंट पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि अगर बायर के पार्ट पर पेमेंट में कोई डिले होता है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, और अगर बिल्डर जो है बिल्डर के पार्ट पर पोजेशन देने में डिले होता है तो उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बायर को मिलेगा। तो जो उसमें बिल्डर बायर एग्रीमेंट में जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन है, उन एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक आप अगर आपको लगता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है तो आप उसमें मुकदमा डाल सकते हैं जी। एक और दर्शक नोएडा से पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है पवन जी, आप क्या जानना चाहते हैं? हाँ निर्मल जी, गुड आफ्टरनून जी, नमस्ते, आप बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ निर्मल जी, मेरा एक फ्लैट है अमरपाली ग्रीन वैली में, और जो मैंने 2012 में मैंने बुक किया था और उसका मैं 75% की पेमेंट कर चुका हूँ, और अभी वो क्या रहा है कि 1.5 साल से काम बंद है, बाकी मेरा स्ट्रक्चर पूरा कंप्लीट है और उसमें स्ट्रक्चर तक मुझे 95% पेमेंट करनी थी, लेकिन काम नहीं होने की वजह से मैंने 75% की पेमेंट करूँगी, तो जो 20% है क्या उसमें मुझ पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा बिल्डर? कभी पैसा मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि बिल्डर वायर एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन है कि वो 24% हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा, बट इट डजंट मीन कि अगर वो मान लो 10 साल भी नहीं देगा तो 10 साल तक 10 साल में वो हमसे 24% इंटरेस्ट चार्ज करेगा और हमें 5% की पेनल्टी देगा, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा लॉस है। अगर वो 2-5 साल भी नहीं देता है तो उसका हर्जाना ज्यादा जी जी तो क्या करें पवन जी इसमें सर, कैसे निकले इससे? बिल्कुल पवन जी, जो भी कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो आर्बिट्री नहीं होना चाहिए कि एक पार्ट को फेवर करे और दूसरे पार्ट को, बिल्डर चाहे तो अपने हिसाब से टर्म्स एंड कंडीशंस को बना ले और बायर को जो है टाइम पर पोजीशन नहीं दे। अगर आपको टाइमली पोजीशन नहीं दिया है तो आपको बजाय बिल्डर को पेनल्टी देने के तुरंत आपको कंज्यूमर कोर्ट में एक मुकदमा डालना चाहिए और ये बताना चाहिए कि इस कंडीशन के मुताबिक, फ्लक क्लॉज के मुताबिक मुझे अब तक उनको पोजेशन देना था, जिस पर्टिकुलर पीरियड तक पोजेशन नहीं दिया है, तो उस स्थिति में आपके पूरे पैसे या तो वापस करें, अगर नहीं करते हैं तो जो आपका इंटरेस्ट बनता है वो इंटरेस्ट दे, क्योंकि आप बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए इंटरेस्ट, उस पर आपका कोई पेनल्टी आपसे वो नहीं ले सकते हैं, क्योंकि खुद बिल्डर के पार्ट पर ये गड़बड़ है और बिल्डर ने टाइम से पोजेशन कंस्ट्रक्शन नहीं किया और आपको पोजेशन नहीं दिया जी। तो एक तो क्रक्स ये है कि बिल्डर बार एग्रीमेंट जो होता है उसको आप ध्यान से पढ़िए, फिर भी अगर कहीं पर चूक है, आपको नहीं मिल पा रहा है आपका फ्लैट समय से, या फिर पैसा आपको और देना पड़ रहा है, आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा रही हैं, किसी भी कारणवश अगर आप समस्या में हैं तो आप कंज्यूमर फोरम या फिर कोर्ट में दरवाजा खटखटा सकते हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आपको न्याय वहां से जरूर मिलेगा। अश्विनी जी बहुत शुक्रिया, आप आए स्टूडियो में, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। तो आज के लिए कानूनी हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन एक्सपर्ट कोई एक व्यक्ति या 200 लोग नहीं हो सकते, अलग अलग मुद्दों पर नजरिया आपका भी उतने ही मायने रखता है। पहली बार दर्शक भी शाम 6 बजे होने वाली हमारी चर्चा में शामिल हो सकते हैं और इसके लिए आपको वीडियो के जरिए अपनी राय भेजनी होगी।